जाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है और हम आपको ले चलते हैं थाने रेलवे स्टेशन, जहां पर थाने रिक्शा टैक्सी संयुक्त कृति समिति थाने की तरफ से 1 अगस्त को रिक्शा बंद आंदोलन रखा गया है, जहां पर उनके कई कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि बिना मुद्र के गिल्टी ना फाड़ा जाए, फ़ोटो खींचकर चालान वसूली बंद की जाए, और जिस तरीके से किसान भाइयों की मांग सुनी गई है, जैसे कि लोन के मुद्दे पर, कर्ज की माफ़ी के मुद्दे पर, तो हम ऑटो चालकों की मांग भी पूरी हो। सुनिए रवि मिश्रा और सुशील कुमार चंद्रा से हमारे संवाददाता असलम शेख की खास बातचीत, थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। रिक्शा बंद के सिलसिले में रवि मिश्रा जी और सुशील कुमार चंद्रा साहब से कुछ खास बात। हाँ मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रिक्शा 1 तारीख को बंद होने वाली है, संप करने वाले आप लोग, तो ये किस सिलसिले में और आपके क्या क्या मुद्दे हैं? महंगाई इतनी बढ़ गई है, सीएनजी का भाव दुनिया भर का हो गया है, उस हिसाब से रिक्शे का फेयर रिक्शा वालों को नहीं परवाह। तो हम लोग ये चाहते हैं कि रिक्शे का जो मीटर है, मीटर फेयर बढ़ाए गवर्नमेंट की तरफ से, और भी रिक्शा वालों को और भी जो प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम पे गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो इसके लिए हम लोग 1 तारीख को संप पे जाने वाले हैं, और ताकि हम लोग की आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक जाए और गवर्नमेंट एक और गरीब रिक्शा वालों के बारे में कुछ सोचा। और जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसान लोगों के कर्जे को माफ़ किया है, हम लोग का ये अंदर से मतलब सोचना है कि अगर महाराष्ट्र सरकार रिक्शा वालों को जो लोन दिया है, बजाज फाइनेंस वाले, अगर जितने भी बैंक वाले हैं, अगर वो लोग रिक्शा वालों का जो कर्जे है वो माफ़ करें तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कृपा होगी महाराष्ट्र में और उसे हेल्प भी मिलेगी। तो ये थे चंद्रा जी और मिश्रा जी, जिससे हमारे संवाददाता असलम शेख ने बातचीत की। इसी तरीके से आप हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कैमरामैन सिप्टन शेख के साथ में संवाददाता असलम शेख, थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।